क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, इसका मैं पहले जवाब दे चुका हूँ कई बार। आम आदमी पार्टी ने जो एक्साइज पॉलिसी पिछले साल बनाई थी उसके अंदर लगभग 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए का फ़ायदा होना था, लेकिन ऐन मौके पर 16 नवंबर को पिछले साल इसको लागू होना था, दो दिन पहले 14 नवंबर को एलजी साहब ने फाइल मंगा के उसमें लास्ट मिनट कई सारे चेंजेस किए जिसकी वजह से 300-400 दुकानें खुल नहीं पाई। जो दुकानें खुल नहीं पाई उनका रेवेन्यू और उनकी लाइसेंस फीस नहीं आ पाई जिसकी वजह से रेवेन्यू कम आया। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि गुजरात के लिए आए हैं, गुजरात पूछें तो ज़्यादा अच्छा है, दिल्ली वाले तो दिल्ली में पूछ क्वेश्चन दे देते हैं। उनकी नीयत खराब है, मैं आपको बताता हूँ। संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना, तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों का रजामंदी हो, सबको साथ लेके, सभी समुदायों को साथ लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बनाई, उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वो समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई, अब ये भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते? देश में लागू कर दें, ये लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? तो पहले आप उनसे जाके पूछना कि केजरीवाल जी कह रहे हैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना नहीं है, आपकी नीयत खराब है।